ये क्या हो रहा था मेरी जिंदगी में, जा जाओ ये गाना मेरे को सुनाई देता। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, मेरे कान में बस यही गाना बज रहा था। पढ़ता हूँ तो ये गाना, खाना खाता हूँ तो ये गाना, हंकता हूँ तो भी ये गाना, और सोता हूँ तो भी यही गाना सुनाई देता था। कान के पर्दे फट चुके थे मेरे, पता नहीं कैसे ना कैसे मान मान ये गाने से, ये गाने की बीमारी से मुझे छुटकारा मिल ही रहा था। लेकिन हाँ जी, घंटा कैसे मिलेगा। ये गाना वापस आया अपने डबल क्रिंज के साथ, और ये गाना लेके आया है बादशाह। तो आज यही गाने को हम चेकआउट करने वाले हैं, तो समय की बर्बादी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जिसको भी ये गाने के बारे में नहीं पता है, तो ये जो छोटा बच्चा है, इसने ये बचपन का प्यार गाना गाया और ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, और फिर क्या, लोग पागलों जैसे इसके पीछे पड़ गए हैं। और बादशाह ने भी इसको अपने गाने गाने में लिया और उससे गाना गवाया। उससे गाने पे तो मतलब क्या बोलेगा, बाद में आते हैं अपन, पहले इस बच्चे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, चलिए। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, मेरा भूल नहीं जाना रे चस्सा, मेरा प्यार है जान तुझे किया है बचपन का प्यार, मेरा भूल नहीं जाना रे सोनू मेरी डार्लिंग। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, मेरा भूल नहीं जाना रे चस्सा, मेरा प्यार है जान मेरी जाने मन बचपन का प्यार, मेरा भूल नहीं जाना रे। तो ये क्या है यार, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, मेरा भूल नहीं जाना रे। तो ये छोटा बच्चा गाया है और कान फाड़ दिए इसने मेरे, पता नहीं सबका फाड़ दिया होगा, ऐसा सुन सुन के मेरे कान खराब हो गए, अभी कुछ सुनाई नहीं देता है मेरे को, इसका गाना ही सुनाई देता है पूरे दिन। और ऐसे छोटे बच्चे लोग को फेम मिल रहा है, जैसे कि वो कई बच्चा ओलंपिक्स में मेडल लेके आया हो, सच में नहीं ओलंपिक्स में मेडल लेके आया, ऐसे इसकी तारीफ की जा रही है। आगे आगे बता, तो क्या हुआ है इसके साथ, ठीक है, गरीब है, घर से मालूम पड़ता है, गरीब घर से पता चलता है, बट उसके लिए ठीक है ना, अच्छा हुआ। बट फिर भी यार, ऐसा छोटा बच्चा गाना गा रहा है और उसको अब इतना फेम दे रहे हो, मतलब इतना मेरे को तो नहीं जमता हो ऐसा सब। लेकिन वो छोटा सा बच्चा है यार, 8-9 साल का है वो, क्या उसको लिरिक्स का मतलब भी नहीं पता रहेगा उसको ढंग से, मतलब क्या बोलने का इसको, चॉकलेट खाने की उम्र में ये म्यूज़िक वीडियो बना रहा है। इनको हेल्प ही करना था तो एजुकेशन या स्कूल में किया होता तो कुछ अच्छा होता ना इसका एजुकेशन, लेकिन नहीं। अरे निकल के लग जाएगा, उसको फेम दिलाना है और उसको वीडियो में ला के टीआरपी लाना है ना उसके शो की या कोई वीडियो की। तो इसको गाना इसका गाना सुना बादशाह ने और भाई हुए इम्प्रेस, और अपने गाने में इसे ले लिया और उसे गवाया भी गाना। इसका तो हम बाद में देखते हैं, और तो और अपन इसको कॉल कॉन्फ्रेंस पे लिया था इसका गाना सुनने के लिए बादशाह ने, तो चलिए वो देखते हैं अपन। क्या नाम है? सहदेव सर। सहदेव जी, बेटा एक बारी गा के सुनाओगे गाना? चलो सुनाओगे गाना, चलो सर को सुनाओ। जानू मेरे जानू मन बचपन का प्यार, मेरा भूल नहीं। देखा आप लोग ने कैसे पागलपंती चल रहा है, कैसे फेम, तू पागल है क्या, अबे तू पागल, तेरी माँ मिलने के लिए सब लोग जा रहे हैं उसके पास। मतलब क्या है यार, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, मेरा भूल नहीं जाना रे, बस यही है, कोई भी गा सकता है, क्या है इसमें, छोड़ो क्या बोलने का। अब ये तो कुछ नहीं है, आगे देखो, इसे इंडियन आइडल में भी बुलाया ताकि थोड़ा सा शो को टीआरपी मिले ना, अभी टीआरपी के लिए थोड़ा करना पड़ता है ना। तो देखो, देखा आप लोग ने, जैसे कि बहुत बड़ा स्टार आ गया हो, पता नहीं इसको देखा ना हो क्या बोलेगा सब, ऐसा ओ वाह 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 क्या बोलेगा। अभी ये तो कुछ नहीं है, आगे तो हद पार हो गई कि सब कंटेस्टेंट इसका गाना गाने लगे और इसके साथ नाचने लगे। इसी का गाना गाते हुए, वाह देखो, जाने
हे भगवान, क्रिंज क्रिंज क्रिंज। तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इनटू 100 हो गया। क्या बोलने का अभी क्या बोलने का अभी, अभी इसके इंटरव्यूज भी होने लगे न्यूज चैनल में। अभी कसम से ऐसा जल जल के मेरी राख हो गई है। अभी ऐसे क्रिंज कुछ भी फालतू फैलाएंगे और आप फेमस हो जाएंगे, मतलब क्या बोल देगा अभी, छोड़ो। सुने थे घर में टीवी रेडियो या कुछ है, मोबाइल? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है जी। कितने कम उम्र के थे जब आप ये गाना गाए? 8। कौन से क्लास में थे? 5वीं। देख लिया इनकी बकचोदी, देख ली फालतू का भी न्यूज़, कुछ न्यूज़ तो मिलता नहीं और ऐसे फालतू के न्यूज़ बताते रहते हैं, फालतू के इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा। इधर और भी स्ट्रगलर्स है जो सिंगिंग अच्छा करते हैं, जिनको चांस नहीं मिलता है, उनको चांस दो जरा, उनको भी दो, क्या बोलने का भी, छोड़ो। अब इसको गाड़ी भी दी कंपनी वालों ने, गिफ्ट किया एक कार इसको, ठीक है, कार दिया इसको, ठीक है, इसको ये बच्चे को, क्या बोलने का अभी, किधर है रे डंडा, किधर है डंडा, ला रहे मेरा ए, साइकिल चलाने की उम्र में ये कार चलाएगा ये बच्चा। टॉय कार्स चलाता होगा घर पे, टॉय कार से खेलते हैं ना बच्चे लोग, वो उससे खेलता होगा घर पे, मतलब सही में यार इसको गाड़ी गिफ्ट करके क्या ही, मतलब इसको गाड़ी क्या, उसको साइकिल भी ठीक से नहीं आती होगी। अब ये तो कुछ नहीं है, आगे देखो आगे और क्या क्या क्रिंज फैलता है। अब ये तो कुछ नहीं है, उसके बोलते ना उसके स्टेट के सीएम, छत्तीसगढ़ के सीएम इसको मिलने आए, वाह, इसको फेलिसिटेट किया, इसको हार वार पहनाए, अप्लाउज दिया और क्या बोल लेगा इसको, इसको क्या जरूरत है। और यहाँ भी इसका वही गाना शुरू, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, अरे यार बस कर यार भाई बस कर, अभी रुक जा, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इससे अच्छा मैं बोलूँ कि उसको फेलिसिटेट करना तो पुलिस वाले को करते, आर्मी को करते, दे डिजर्व डेट, देश का भला करते वो लोग, वो लोग को करो, वो लोग को फेलिसिटेट करो, वो लोग बचाते हम लोग को, पर नहीं इनको क्रिंज में मजा आता है तो करो और क्रिंज जाओ। तो फाइनली अब वो घड़ी आ चुकी है जब हम चेकआउट करने वाले हैं बादशाह का और ये बच्चे ले, बच्चे का सॉन्ग, तो फाइनली अब गाना सुनते हैं, चलो देखते हैं। लो इसका यहाँ भी चालू हो गया, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, क्या यार चालू ही यहाँ से किया है, मतलब गाना भी पूरा यही है, बचपन का प्यार मैंने भूल नहीं जाना रे, बाप रे यार, उठा लो मेरे को, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। और ये क्या है भाई, छोटे छोटे मतलब बच्चे लोग प्रपोज कर रहे हैं, मतलब क्या इस उम्र में हम लोग बेंटेन सिंचन डोरेमोन ये सब देखते थे, और ये लोग तो क्या है, ये लॉलीपॉप देके प्रपोज कर रहे हैं, लॉलीपॉप खाने की चीज है, प्रपोज वपोज मत करे पागल है, छोटे छोटे बच्चे लोग यार ऐसा कर रहे यार, अपनी जिंदगी पे तरस आ रहा है मेरे को, जेलस हो रहा है मेरे को बहुत, ये लोग इतने छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा रोमांस वोमेंस कर रहे हैं, इधर 20 का हो गया घोड़ा हो गया, मैं कोई नहीं मिली मेरे को, क्या बोलने का, जीवन ही एकदम बेकार है, झंड है जीवन। और ये तीनों को देखो वीक वीक लगा के मस्त, मतलब अपनी मारने के लिए क्या बोले, क्या है ये सब, क्या है सब, शोपीस वोपीस चल रहा है इधर, क्या इधर फैशन जो चल रहा है क्या, कुछ भी। अभी इनका आगे है ना, ये लोग का तीनों का है ना डांस देखो कैसा करते हैं लोग डांस, इतना मनुष्य करते हैं ना, देखो जरा देखा आप लोग ने कैसा मनुष्य जैसा ऐसा ऐसा ऊपर नीचे ऐसा कंधा वंधा कुछ, मतलब डांस नहीं आता तो मत करो यार, कौन बोल रहे डांस करने के लिए, ऐसा पागल जैसा वीक वीक पहन के ऐसा कुछ भी करने लगते, ऐसा हाथ पैर हिलाने लगते, पागल लग रहे हो, तौबा तौबा मनुष्य लग रहे हो बहुत, ऐसा वो वाला मीम याद आ रहा है मेरे को, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया सच में, क्यों करने की जरूरत है, मत करो नहीं आता है तो। और मैं बता दूं आपको ये गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग पे था, म्यूजिक ट्रेंडिंग पे, अरे कौन देखता है ये सब,
कौन देखता है ऐसे सब म्यूजिक वीडियोस। हाँ मैं देखा था क्योंकि मेरे को कंटेंट चाहिए था, इसलिए मैंने व्यू दिया था वो, इसलिए मैंने देखा था। बट बाकी सब क्यों, क्या इसमें इस क्रिंज में क्या मिलता है? आई डोंट नो, ये क्रिंज देख के मतलब क्या बोलने का वर्ड्स ही दिए मेरे पास, छोड़ो। Really, nigga? So, बस इससे ज्यादा ये गाना मेरे कान के अंदर जाएगा तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज करिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल भसड़ मानव फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट ऐसे ही फनी वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ, नए चैलेंजेस या फिर फनी वीडियोस या फिर रोस्ट वीडियोस। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।